अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन मखनी, जिसे बटर चिकन भी कहते हैं। शुरू करने से पहले हम पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसके लिए 2 पाउंड चिकन बोनलेस चाहिए। फिर हमें इसके लिए चाहिए 1 मीडियम प्याज स्लाइस किया हुआ, 1 कप दही, फुल क्रीम 1 कप, इसमें 1/2 कप टमाटो सॉस चाहिए, में 100 ग्राम बटर चाहिए, 1 टीस्पून हल्दी चाहिए, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक। सुरख मिर्च और नमक ये दोनों आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर 1/2 टीस्पून, इसमें गरम मसाला हमें गार्निश के लिए चाहिए, जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून, गार्लिक 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, करी पाउडर 1 टीस्पून। ये खास टिप है जो बटर चिकन बनाने के लिए ये मसाला खास तौर पर रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं। अब चिकन को मसाला लगाकर 1 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। इसमें सबसे पहले मैं चिकन डालूंगी, लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा, इसमें दही जाएगी 1 कप, इसमें 1 टीस्पून भर के नमक जाएगा, लेवल्ड टीस्पून हल्दी जाएगी, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, मिर्च में इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि हमारे घर में मिर्च कम खाई जाती है, तो इसलिए मैं मिर्च इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगी। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून और 1 1/2 टीस्पून मिर्च डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च जाएगी, 1 टेबलस्पून इसमें जीरा जीरा पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर जाएगा। ये सारे ड्राई मसाले हमने डाल लिए हैं, अब हम इसको मिक्स करेंगे। चिकन मैरिनेट होने के बाद इसको 1 घंटा मैं साइड पर रख दूंगी। अगर आप फौरन कुक करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। चूल्हे को हम हाई फ्लेम पर रखेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, पहले इसमें बटर डाल देंगे। अगर हम बटर डायरेक्ट डालेंगे तो उसका जलने का खतरा है। हमें 100 ग्राम बटर में से 75 ग्राम बटर अभी डालेंगे, और 25 ग्राम बटर जो है वो हम आखिर में डालेंगे जब फाइनल हो जाएगा चिकन। मैंने आंच जो है वो फुल कर दी है, और अभी इसमें हम अनियन डाल देंगे। अनियन को हमें पूरी तरह फ्राई नहीं करना, जस्ट इसको सॉफ्ट करना है अनियन को। अब प्याज को नरम करने के लिए हम 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर कवर करके रख देंगे। और अब हम इसको निकाल लेंगे। प्याज मैंने निकाल लिया, ये सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। अब बटर और ऑयल में मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। इसको हम 30 आंच पर फ्राई करेंगे। काफी पानी सूख गया है, तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के हम इसमें वो ग्राइंड अनियन डालेंगे जो हमने सॉफ्ट किए थे। ये टोमेटो सॉस डाल देंगे। अब हम इसमें करी पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसको भून लेंगे जब तक वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, और फिर उसके बाद हम इसमें क्रीम और लेमन जूस डालेंगे।
बहुत खूबसूरत कलर इसका आ गया है, इसका ऑयल सरफेस पर आ गया है। ये टमाटो सॉस की वजह से इसका कलर रेड है, मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। लेमन जूस डालने का टाइम है, अब मैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालूँगी। और अब इसमें असल चीज़ जाने का टाइम आ गया है, क्रीम। 1 कप क्रीम जाएगी, हल्की और मीडियम आंच के दरमियान में कुक करना है इसको। ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने क्रीम को कुक नहीं करना। इंग्रेडिएंट्स में मैं बताना भूल गई थी, इसमें ये 2 सब्ज़ मिर्चें ऐसे ही बीच में मैंने कट लगाया है, ये डाल देंगे। और आखिर में इसके बीच में हम बटर डाल रख देंगे, धनिया डाल करके कवर करके सिर्फ 35-40 सेकेंड के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। अब हम इसको सर्व करने के लिए डालेंगे। गरम मसाला थोड़ा डालूंगी, सिर्फ गार्निश के लिए बटर डालेंगे। आपका मज़ेदार मक्खनी चिकन बटर चिकन तैयार है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सबका हाफिज़ व नासिर। अल्लाह हाफिज़।